जी प्रत्याशी श्री अर्जुन लाल जी जिगर राजसिकों के पूर्व चेयरमैन श्री मेघराज जी और पूर्व सांसद पुष्प जी जैन, हमारे क्षेत्र के जिला अध्यक्ष गर्ग सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री लालजी सिद्धी, श्री राजेंद्र जी राजपुर जी विष्णोई, डॉक्टर गुलाब सिंह जी अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए, जौहरीलाल जी और वो अकेले नहीं थे, ओम प्रकाश जी राठौड़ जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी, वो कांग्रेस छोड़ के उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देना चाहती हूँ धन्यवाद दोनों पार्षदों को जिन्होंने हमको अभी अभी अपने साथियों के साथ ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भावी समाज को जियाराम जी के साथ, पूरा भावी समाज जिन्होंने मिलके खुले कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम उन लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ वरिष्ठ मैं आपके बीएसपी के सब दिनेश भाटी जी के और दिलीप बिश्नोई जी के साथ, वो बहुत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेके वो अपनी पार्टी में आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोगों ने भी 133 एक तरफ और 211 वो एक तरफ, तो करीब 300 कुछ लोग ने ज्वाइन किया है, उसको लिए मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी आस्था जताई है और बड़े प्रेम से हमारे पार्टी में ज्वाइन किया है, उनको भी मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मजा देखो भाइयों इसी में है, लोग भूल भी सकते हैं कि आज चुनाव चल रहे हैं, अगर मेरे पास अर्जुन जी नहीं खड़े होते ना तो मैं आराम से भूल भी सकती थी, परंतु आप लोगों ने ये 9 महीने के अंदर हम सबको इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि इसी चीज के लिए ही हमें अंदर मैंने यह पता करने की कोशिश की, तो चुनाव का टाइम है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, और कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं तो मुझे आश्चर्य हो जाता है। आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, अभी अभी आपके मुख्यमंत्री जी यहाँ दौरा करके गए कल, आप लोगों ने बड़े प्यार से स्वागत भी किया, मैंने सुना तो ये व्यक्ति सब लोगों के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आप वोट दो क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए पिछले 5 साल में चौमुखी विकास किया है। मुझे ये जो चौमुखी विकास किया है वो किसी जनता का नहीं किया है, करा है तो अपना चौमुखी विकास जरूर हुआ है, कांग्रेस पार्टी का चौमुखी विकास हुआ है, राहुल गांधी का हुआ है और पूरे लोगों का हुआ है, पर तो अपनी जनता का किसी का चौमुखी विकास तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि तो जहां मैं गई हूं इन 9 महीने में लोगों ने रो रो के मेरे को साथ देके कहा है कि साहब हमारा कुछ करके है, सरकार आएगी आप तो हमारा कुछ करना, ना हमारी बिजली है, ना हमारा पानी है, ना हमारा रोड है, ना हमारे टीचर है, ना हमारे डॉक्टर है, ना हमारा रोजगार है, ये तो हमारी स्थिति है, और पिछले 5 साल नहीं साहब 65 में से 53 साल हमने इन्हीं को दिया और इन 53 साल में इन्होंने हमको गड्ढे में डालने का ये काम किया है, चौबों की विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, हम लोगों को गड्ढे में डालने का काम जरूर इन लोगों ने किया है, इस चीज को हम याद रखेंगे। 15 साल अपने दिए नरेंद्र मोदी को, 10 साल आपके शिवराज जी ने, 10 साल आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, इन लोगों ने अपने प्रदेश के अंदर किस तरीके से काया पलट करके रख दिया है आप लोग देख लें। कोई भी गुजरात गया है, गुजरात जाके वापस आता है तो आंखों में आंसू लेके आता है कि हमारा राजस्थान भी किसी से कम नहीं है, बट तो हम लोग इस तरीके से जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पा रहे, क्या है इसका? मैं ये कह रही हूँ कि 15 साल में अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो 53 साल में ये लोग क्यों नहीं कर सकते, और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 53 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए होते
तो आप लोगों को कभी अपने कंधे से पीछे देख के मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चमन हो जाता चमन अपना है। हमारे राज के 5 साल में इतने सारे काम आ गए थे, कितने मुश्किल से हम लोगों ने पैसे की स्थिति ठीक की थी, कितने मुश्किल से हमने सब कुछ इकट्ठा किया था, नए स्कीम बनाने का काम किया था और राजस्थान को ऐसे लेवल पे लाके रख दिया था कि बस टेक ऑफ है। इतने में ही ये सरकार आ गई। 5 साल के अंदर जितना हमको पीछे धकेलने का काम करना था वो इस सरकार ने तुरंत ही कर दिया। जो काम हम लोगों ने करने थे उनके ऊपर रोक लगा दिया, जो पैसा हमने जनता के लिए अलग से रखे थे उनके अलग से टेंडर कर दिए, यहां तक कि अभी भी चुनाव के टाइम में टेंडर किए हैं ताकि उसका पैसा अपने जेब में डाल सके, इसको अभी तक भी नहीं छोड़ा है इस सरकार। हम लोगों के ऊपर उन्होंने उंगली उठाने की कोशिश की, हम सबको कलंकित करने की कोशिश की, कभी कोई केस लगाया, कभी CBI के द्वारा करवाया, कभी आपका आयोग बिठाया, सब चीज करने के बाद पूरी छानबीन करने के बाद ये आयोग भी उठ के चला गया, हाईकोर्ट ने भी रूलिंग दे दी, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं कर पाए, अभी भी करने की कोशिश में है भाइयों। पर हमने कह दिया कि आप करते रहो, जितना करना है करते रहो, हम लोगों के पास वो ताकत है जो आपके पास नहीं है और वो हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ईश्वर जानता है कि हम लोगों ने कोई भी ऐसे काम नहीं किया है, उसका आशीर्वाद है। उसके साथ साथ हमारी जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, ढाल जैसे हमारे सामने खड़ी हुई है। इस जनता के साथ अपने भागे चलेंगे और राजस्थान को वो नया राजस्थान बनाकर छोड़ेंगे जिसका सपना आप सबने देखा है। अभी आजकल एक नया एड आ रहा है पेपर टीवी पे, आपने देखा होगा, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, शब्द दूसरा इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो जहर पिला रहे हैं आप लोग सबको। मेरे को ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके अस्पताल के अंदर तो डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। सामुदायिक अस्पताल 100 बेड का जो करने की स्वीकृति जारी कर दी थी, इसको सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। रेफरल अस्पताल में 13 के स्थान में 3 डॉक्टर है तो बहुत ही है, 3 डॉक्टर सबको संभालने में ऐसी कोई बात ही नहीं। और आप बताओ मेरे को, वो कहते हैं कि मैंने जहर का शब्द कैसे इस्तेमाल किया, तो मैं पता करना चाहता हूं। जब कोई घटिया ग्लूकोज जिसमें फंगस हो जाता है उसको चढ़ाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं और उसकी वजह से जोधपुर हॉस्पिटल के अंदर 30 प्रसूताओं की मौत हो जाती है, तो क्या वो जहर है, दवाई है कि जहर है? अस्पताल में नकली और एक्सपायर्ड डेट की दवाई अगर रखी हुई है और वो दवाई जनता को दी जा रही है तो वो क्या जहर है? क्या है? जहर है कि अच्छी दवाई है? मुफ्त दवा के नाम पर अस्पतालों के अंदर जो सैंपल्स फेल हो गए हैं, जो चेकिंग के लिए सैंपल जाते हैं वो सैंपल्स फेल हो गए हैं, वो वैसी दवाइयां मिल रही है तो वो क्या कहा गया, जहर की दवाई। और अगर एंटीबायोटिक इंजेक्शन, और मैं झुंझुनू में थी जब ये मेरे कलेक्टर ने छापा मारा था अस्पताल के ऊपर, तो जब एंटीबायोटिक इंजेक्शन के अंदर कांच के टुकड़े निकल आ रहे हैं तो बताओ ये जहर की दवाई है? और मुफ्त दवाओं के बावजूद भी, अभी इतना मुफ्त दवाई बांट रही है और उसके बावजूद भी मृत्यु दर बढ़ रहा है, तो क्या कहोगे आप कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं कि लोगों के बदहाल करने का काम कर रहे हैं? इसलिए प्रदेश के ये हालात देखकर इसीलिए मुझे दुख है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, पर मुझे दुख है क्योंकि मैं कहती हूँ कि कहते कुछ है करते कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने सबको हमेशा ये कहा और सब लोगों को, पार्टी के लोगों को भी ये कहा कि हमको कोई झूठे वादे नहीं करने, नहीं कर सकते तो जनता को कह दो भैया नहीं होता, जनता आपके साथ रहेगी। झूठ बोलने पे जब मालूम पड़ जाता है, लोगों को मालूम तो पड़ता ही है, जब मालूम पड़ जाता है तब जनता नाराज होगी, इसलिए नहीं बोलना। मेरे को कईयों ने कहा चुनाव आते हैं तो एक दो झूठ बोलने में क्या होता है, बाद में देखा जाएगा। मैंने कहा अगर नहीं होता है काम तो झूठ भी नहीं बोला जाएगा, नाराज हो जाएगा, लेकिन नाराज नहीं होती। और नाराज किया अगर मेरे को 10 वोट नहीं मिलने वाले तो मैं क्या करूँ? और सबको मालूम है कि इससे वादा कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वादा करती है तो पूरा करेगी और नहीं तो वादा नहीं करेगी। तो मेरे पीछे पड़ते मैं जाती हूँ गांव के अंदर, वादा करो वादा करो। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि ये वादा क्यों करो, किसी ने कहा साहब ये सब मानते हैं कि आप वादा करोगे तो काम कर दोगे,
तो मैं वादा तो तभी करती हूँ जब मुझे विश्वास है कि मैं उस काम को पूरा कर सकती हूँ। पर इन लोगों ने क्या किया, अभी अभी इन लोगों ने एक घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, हमको उसको संकल्प पत्र कहते हैं, अपने संकल्प पत्र को निकाला, इनने घोषणा पत्र निकाला 2013 का। मैं ये कह रही हूं कि 2008 का संकल्प पत्र, इनका जो घोषणा पत्र है वही पूरा नहीं हुआ, तो ये 2013 का घोषणा पत्र करके क्या मिलेगा उनको? मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों को, झूठ के पुलिंदे में दो तीन चीजें जो मैं आपसे पता कर लूं। सबसे पहले ये कहते हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे आपको, ये 2008 के घोषणा पत्र में मिल गई आपको, 5 साल आपको लगातार बिजली मिली है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये कह दिया उन्होंने कि बिजली के दाम हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाए, 9 बार बिजली के दाम बढ़ गए हैं, 4 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, 1 लाख नहीं दी। इन्होंने ये कहा कि 30 दिन के अंदर आपको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, 6 महीना तक नहीं मिलता है। कितने? अरे तो 6 महीने में मिल गए वो बहुत बड़ी बात है, या तो दो साल तीन तीन साल तक मिले, ये हालत है लोगों की, किसी को नहीं मिला है। ये तो 2008 का पूरा नहीं कर पाए और 2013 का घोषणा पत्र निकाल के और प्यार से वहां से गई है कह के कि हम तो 2013 के घोषणा पत्र वही लोक लुभावना बनाएंगे ताकि फिर से लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अरे ये सरकार तो वो सरकार है जो 4.5 साल सोती है, कुंभकर्ण की नींद लेती है, पूरा भ्रष्टाचार करती है, अपने जेब को भरती है, जब जवानों को पूरी तरह से भ्रष्ट करने की कोशिश करती है। 4 महीने के लिए आपके पास आती है, एकदम से याद आता है कि ये चुनाव आ गए हैं, जल्दी जल्दी अपने उठो उठो सब अपने पलंग बिस्तरों में से उठ के रजाइयां एक तरफ करके और दौड़ के बीच में आज मैदान में आके कहते हैं अरे पेंशन किसको चाहिए, लो लो पेंशन ले लो, अरे किसको चाहिए बर्तन, किसको चाहिए लुगड़ी, किसको चाहिए साइकिल, किसको चाहिए पैसे, क्या चाहिए बता दो भैया, नाम दे दो मैं तुमको ले जाए। पेंशन बड़े लोगों को मिलता है, 70 साल के लोगों को मिलता है, ठीक है 60 साल के ले जाओ, 50 साल के ले जाओ, 40 साल के ले जाओ, बस ले जाओ वोट ले जाओ, कुछ भी कर लो। अभी मैं झालावाड़ गई थी, अब मेरी बात सुन लो मैं एक मिनट के लिए, मैं झालावाड़ गई थी अभी, तो झालावाड़ में जब मैं इस मीटिंग के बाद बाहर निकली तो एक झुंड का झुंड ऐसे खड़ा हुआ था पेड़ के नीचे। देखा क्या हो गया भैया आप लोग क्यों खड़े हो यहाँ? उनने कहा कि साहब हमको 4 महीने पहले पेंशन मिला था। देखा बड़ी अच्छी बात है फिर यहाँ क्यों आए? देखा 4 महीने पहले हमको पेंशन दिया और जिन लोगों ने पेंशन दिया 10,000 लोगों को पेंशन दिया, मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा फिर, देखा 10,000 लोगों को पेंशन तो दे दिया परंतु अगले महीने क्योंकि कुछ घोटाला हो गया है इसलिए उनने वो 1,000 रुपए की एवज में 3,000 रुपए हमसे वसूली करने का काम कर लिया, तो हमारा क्या होगा? मैंने कहा ये कांग्रेस की सरकार है भाइयों, ये पेंशन नहीं, ये तो अपनी वसूली करने में लगी हुई है, ये तो जानती है कि अब तो 4 महीने क्या, अभी तो कुछ दिनों 10 दिन के अंदर तो वो जाएगी, तो सोच रहे कि जितना कमाई कर सकते हैं उतना कमाई कर लो, मालूम नहीं अब 5 साल के लिए अपने को कैसे निकालेंगे, अपने परिवारों को कैसे चलाएंगे, हमें जनता से क्या मतलब है, हमें तो अपने परिवार से मतलब है, अपने देश से मतलब है, कैसे आगे चलाएंगे। फिर मेरे से कहा मैं तो इतना अच्छा लगा है किसी ने, ये 9 महीने से मैं आपकी सेवा में जनता के बीच में मजे ले रही हूँ, आप लोगों के प्यार इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, मजा ही मजा है। और दुख इस बात का हुआ कि जहां मैं गई वहां जिनसे मैंने पूछा उसके आंख में माता बहन के आंख में आंसू, तो सब लोग कहे साहब 5 साल निकल गए, हमारे सब चीज महंगा हो गया, हमारे सब चीज में हम दुख में ऐसे दुख में पड़े, हम शादियां नहीं कर सकते, हमारे बच्चों की हम चिंता करते हैं कि वो स्कूल में चली जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची वापस टाइम पे नहीं आ जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, हम सब लोग चिंतित हैं। 5 साल के अंदर हम लोगों को कुछ नहीं मिला, इतने सारे वादे किए हमने, सब कुछ छोड़ के इनका साथ दिया परंतु इन लोगों ने साथ वादा खिलाफी हम लोगों के साथ किया है। हम उस मौके के लिए रुके हैं कि 1 तारीख कब आती है और हम फिर से कब बटन दबा सकते हैं और हम कब इन लोगों को उस कुर्सी से उतार के उनकी औकात दिखा सकते हैं, उसके लिए हम रुके हुए हैं। मैंने कहा मेरे को क्या होगा, किसी ने कहा कि कांग्रेस ए अशोक गहलोत खड़ी हुई है मेरे सामने, पूरी की पूरी कांग्रेस है, वो भी 2 हिस्से में, फिर उसके साथ एक कांग्रेस भी खड़ी हुई है, ये कांग्रेस भी इन्होंने खड़ी की है गंगानगर में, एक कांग्रेस सी है वो सवाई माधोपुर में खड़ी है, उसके हेलीकॉप्टर पैसे वैसे सब कुछ इन्हीं से मिल रहे हैं और वो आप ही के पैसे हैं। उसके बाद एक कांग्रेस डी है, जो जो लोग बागी बन के खड़े हुए हैं बैठे ना
ऐसे लोगों को पैसे देने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम, उनके साथ दो दो हाथी लग के कि भाई खड़े रहो तुम तो। भारतीय जनता पार्टी को अपने को हराना है किसी भी तरीके से। फिर कांग्रेस एक और खड़ी है चारों ओर घेर के, अंदर से बाहर से कैसे भी हम मुसीबत करा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, हम इनको तो उनको कराना है। इन सब के जो टिकट है वो सब टिकट अशोक गहलोत के घर से दिए गए हैं। ये है कौरवों की सेना भाई, सामने खड़ी हुई है और ये कौरवों की सेना है। आपको अपनी दिनचर्या में करना पड़ता है, हम लोग सबको फेस करना ही पड़ता है। ये कौरवों की सेना एक तरफ खड़ी है और एक तरफ हम सब खड़े हुए हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से और आपकी ताकत के साथ हम लोग इनको परास्त करके ही छोड़ेंगे। अभी 10 दिन की बात है भाई, ये सब लोगों को अपनी अपनी बात मालूम पड़ जाएगी कि जो लोग सेवा करने का नाम लेके जमीन पे उतरते हैं और वो लोग झूठ बोल के फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे लोगों को एक मिनट भी उस कुर्सी पे बैठने का मौका हम लोगों को देना नहीं चाहिए और ना हम देंगे। उन लोगों ने हमारी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया है वो आप लोग सब जानते हो। इन महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार की कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने महिलाओं की इज्जत अपने परिवार के अंदर नहीं संभाल सकता तो उसका परिवार नष्ट हो जाता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रदेश के मुखिया वो वहां बैठ के इनको संभाल नहीं सकते तो उनको तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ, एक कैबिनेट है भाइयों, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कैबिनेट है जिसके अंदर के 5 मंत्रियों को महिलाओं के अत्याचार और दुराचार की वजह से हटना पड़ा, किसी के और नहीं है। कितने बड़ा कलंक लगा है राजस्थान के ऊपर, और मैं कहना चाहती हूँ कि इस चुनाव के अंदर हम अपने इस कलंक को मिटाने का काम करेंगे। जो लोग विधानसभा के अंदर बिना मने मतलब की भाषा करते हैं सब जानते हैं, जिस तरीके से उनके भाषण होते हैं, जिस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, मैं कहा ये विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर जो महिलाओं के साथ करते हैं उसका उनको फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव महिला और युवा आगे बढ़ के करने वाले हैं। वो युवा इसलिए कहेंगे क्योंकि युवाओं के साथ झूठ बोला है, झूठ बोला कि हम आपको 10 लाख नौकरियां देंगे, दिया एक भी नहीं। हमने 10 लाख लोगों को नौकरियां दी और मैं सबको ये कह रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इधर उधर फंसाएंगे नहीं, अगर नौकरी नहीं दे सकते तो बोलेंगे, परंतु मैं कह रही हूं कि 15 लाख नौकरी देने का काम हम करेंगे। मैंने आप लोगों को जो 15 मैंने आपको कह रखा था कि 15 और 18 घंटे बिजली मैं आपको दे रही थी जब मैं गई, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको 24 घंटे बिजली दूं, वो तब कहा था। अब मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि 5 साल चले गए, मिलना चाहिए था आपको, नहीं मिला। अब आने वाले वक्त के अंदर 24 घंटे घरेलू बिजली आपको देने का काम भी हम करेंगे। ये किसान किसानों को 1% की दर पर खेती बाड़ी के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो पंजीकृत बेरोजगार नौजवान है उनको 20 लाख के ऋण सुविधा सरकार की गारंटी पर 3% के ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, मैंने बिल्कुल मिनिमम है। उसके साथ साथ हमारे किसान की खेती बाड़ी करते हुए अगर कहीं मृत्यु हो जाती है, उस खेत के ऊपर मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, और अगर घायल हो जाता है तो 1 लाख रुपए उसके परिवार के पास जाने का, उसको ठीक करने के लिए दवाई के लिए हम इंतजाम करेंगे। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे, हमारी महिला, हमारे किसान ये मजबूत हो जाए तो हम सब काम कर सके। आज किसान अपने खेत के ऊपर कितना दुखी है, न बिजली है न पानी, और अगर बिजली मिल रही है तो रात के पारी में मिल रही है, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक किसान को खेत में ठंडी में खड़ा होना पड़ रहा है। 10 दिन और भाई, 10 दिन और, उसके बाद ये नहीं होगा आप लोगों को उसको चिंता करना। सही टाइम पे खाद मिलता है ना बीज मिलता है तो महंगा मिलता है तो नकली मिलता है, और ले जाते बाजार में अपना सामान तो अच्छा मूल्य पे नहीं बिकता है, और सब चीज महंगा हो गया है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, अरे प्याज महंगा, टमाटर महंगा, नमक तक को नहीं छोड़ा है। जब भी कांग्रेस आती है तो अपने साथ साथ महंगाई लाती है, ये आप लोग लिखित में ले लो मेरे से, अब देखो इतिहास देखो तो मालूम पड़ जाएगा। मालूम नहीं क्या करते हैं ये लोग, मालूम नहीं इनके पैर से कौन सा ग्रह बंधा हुआ है, पर जो भी चीज है वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज मैं और कुछ कहने आई हूँ, यहाँ तो मजा है,